हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ड्रामा इंस्ट्रक्टर मुकेश कुमार आज की क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी प्ले। रंगमंच में किस प्रकार से एक नाटक के लिए आप स्टोरी को तैयार करते हैं? कोई भी अगर मोनोलॉग बनाते हैं या आप कोई प्ले करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होती है एक स्टोरी, कहानी। कहानी के बाद आते हैं एक्टर यानी अभिनेता, कलाकार। अगर स्टोरी नहीं होगी तो नाटक किस पे किया जाएगा, मोनोलॉग किस पे बनाया जाएगा? तो सबसे पहले आपके जहन में आता है कि हम जो नाटक जो पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग वो आपकी किताबों की ओर जाएगा। जब भी आप कोई मोनोलॉग बनाते हैं तो आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो आपका जो चरित्र है, आपका जो एटीट्यूड है, उसके हिसाब से आप स्क्रिप्ट डिज़ाइन करते हो ताकि उसे करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। या ये भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें अपने अनुकूल भी लिख सकते हैं। किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका स्टार्टिंग, मिडिल और एंड, ये तीनों चीज़ें उसमें होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्टोरी को बनाने से पहले आपके दिमाग में ये ज़रूरी है कि हमेशा जब भी कोई स्टोरी लिखी जाती है तो उसमें वो बिल्कुल सपाट नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव होता है। वो उतार चढ़ाव इसलिए होता है, अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा, अगर किसी भी सब्जेक्ट को हम जब तैयार करते हैं, किसी ने कहा कि तुम जाओ, अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, तो बात ख़त्म हो जाती है। अगर वो आपसे फिर प्रश्न करता है कि क्यों जाऊँ, तो फिर उसका एक गिव एंड टेक होना शुरू हो जाता है, आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है, वो टेढ़ी लकीर ऊपर नीचे ऐसे होता है। इसी प्रकार वो स्टोरी धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है। इसी के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपको डेली रूटीन में आप नाटक ज़रूर पढ़ें, नाटक पढ़ें, नाटक देखने का मौका मिले तो आप नाटक भी देखें। आप अलग अलग प्रकार की स्टोरी पढ़ सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं।